बॉयकॉट जवान, अब ये थोड़ी बहुत सुगाहट शुरू हो गई फिर से, वही पुराने लोग हैं, वही पुराने दास्तान बयान कर रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड, जिस तरह से बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट शाहरुख खान, धीरे से एक अब कहीं सुगाहट शुरू हो गई बॉयकॉट जवान। जवान जो है शाहरुख खान की जो 2 जून को रिलीज़ के लिए तैयार है, और सब कुछ सही रहा तो 2 जून को रिलीज़ भी हो जाएगी फिल्म, लेकिन उसके लिए जो बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग है वो फिर से थोड़ा थोड़ा सुगाहट ला रहा है अपनी, फिर से वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से बताना चाह रहा है कि हम जिंदा हैं। कहीं एक आध सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने मिल रही है जहां पर लिखा जा रहा है बॉयकॉट जवान, लेकिन खुलकर हिम्मत नहीं पड़ रही, खुलकर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि खुल के बोलें बॉयकॉट जवान, क्योंकि उनको पता है कि अब बोला खुलकर तो फिर वही हाल होगा जो पठान के साथ के टाइम पे हुआ था। अब तो वैसे लोग जो हैं उस टाइम पे लोग फिर भी सुन रहे थे, लेकिन अब तो लोग जो हैं बाकायदा गालियां देने लगे हैं। जहां जैसा भी लिख के आता है बॉयकॉट जवान, वहीं पे हमने देखा, वहीं पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो गालियां देते हैं ऐसे लोगों को। वैसे पहले ही पढ़नी चाहिए थी, और पहले भी जो तमाचा मारा है वो जनता ने मारा है जब ये शुरू हो गए थे बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट शाहरुख खान, बॉयकॉट बॉलीवुड। अब वही जो गैंग है, जो हम बोलेंगे कोई उसका वजूद तो है नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे लोग वो लोग हैं जो खाली बैठे होते हैं घर में, कुछ काम नहीं होता है, कोई धंधा नहीं होता है उनके पास अपने को जिंदा रखने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए एक बड़ा नाम ले लेते हैं, बॉलीवुड बड़ा नाम, शाहरुख खान बड़ा नाम, उसके साथ कुछ जुड़ जाए तो क्या टाइम पास हो जाता है, 50 कमेंट्स आ रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 50 रिएक्शंस आ रहे हैं, तो इस तरह से वो अपना टाइम पास करते हैं, इस तरह से अपना वो जो है मन बहलाते हैं, अपना वो दिल हल्का करते हैं। बेसिकली इन लोगों का कोई वजूद है नहीं जो कहते हैं बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट पठान शाहरुख खान। वैसे अब धीरे से सुगाहट शुरू हुई है बॉयकॉट जवान, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, जिसने पहले चिल्लाते थे सामने आके वैसे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर खुल कर आए तो फिर खुल कर और गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, इसलिए वो सुगाहट में कहीं धीरे धीरे एक आध कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखने मिल रहा है बॉयकॉट जवान का। लेकिन जवान को लेकर अभी से ही बहुत ज़्यादा हलचल है शाहरुख खान की फिल्म को लेकर, शाहरुख खान की फिल्म को लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पठान ने जो इस तरह से अपने झंडे गाड़े हैं, और देखिए ये होता है स्टारडम, इसको कहते हैं स्टारडम, शाहरुख खान जो 4-5 साल बाद जो है वो अपनी फिल्म लेकर आए, शांति चुपचाप बैठे हुए थे, लोग कह रहे थे ख़त्म हो गए शाहरुख, शाहरुख का करियर ख़त्म हो गया, शाहरुख का पीरियड ख़त्म हो गया, लेकिन जो होते हैं लेजेंड होते हैं ना वैसे ही होते हैं, वो जब भी आते हैं तो शोर नहीं मचाते, शोर खुद मचता है, जो कि शाहरुख खान ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर आकर पठान का। पठान ने जिस तरह सक्सेस पाई है, फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बनी है पठान, कलेक्शन वाइज वर्ल्ड वाइड जिस तरह से उसका कलेक्शन आया है, और जिस तरह से उसको प्यार मिला है, उससे एक बार फिर साबित हो गया कि शाहरुख खान के फैंस की कोई कमी नहीं है। लाख कोई चिल्लाए बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान, शाहरुख खान कुछ कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जवान को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, लोग पठान की तरह ही जवान को भी देखने के लिए बैठे हुए हैं कि किस तरह जब रिलीज़ हो उसको जाके देखें, तो इसको कहते हैं कि स्टारडम। अब रहा सवाल उनका जो कहते हैं कि बॉयकॉट कर दो, अब उनका भी वजूद ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उनको पता है कि अब ज़्यादा पिकपिकाएंगे, जो कहते नहीं अपनी नॉर्थ की भाषा में पिकपिकाना, बहुत ज़्यादा बोले तो अब किसे हो सकता है लोग जो ढूंढेंगे जूते ही मारें। तो बहरहाल अब ये आलम हो चुका है कि बोल रहे हैं जिंदा रहने के लिए, बोल रहे हैं कि बॉयकॉट कर दो, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए अभी आगे आगे क्या होता है, अभी तो बहुत सारे किस्से कसीदे हुए और गढ़े जाएंगे, हम आपको और भी आगे बताएंगे कि जिस तरह से ये अपनी नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे कि मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो, बॉयकॉट गैंग की हम बात कर रहे हैं, उनको किस तरह से आगे भी दर्शक जो है उनको नकारेंगे, इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे।